हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चिन्नकेश्वर टेम्पल बेल्लूर में। जी हाँ, हसन डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है कर्नाटक में। और दोस्तों, पूरे धरती पर या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मंदिर नहीं। जी हाँ, ये मेरी चौथी पांचवी विजिट है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मंदिर नहीं है। रीज़न इसके पीछे ये है कि पूरे स्टोन में कहीं भी गैप नहीं। जी हाँ, पूरे स्टोन में इतनी कार्विंग करी गई है, देखिए इंट्रिकेट कार्विंग, कि आपको स्टोन में जगह ही नहीं मिलेगी। देखिए, ये देख सकते हैं, जस्ट कम हियर गेट द विटनेस ऑफ समथिंग वेरी यूनिक। ये देख सकते हैं आप पूरा टेम्पल। आप ये देखिए, वो आप सोचिए, मैं आपको जो आप ये देख रहे हैं मेरी वीडियो में, ये देखिए पूरा टेम्पल इस तरह से बना हुआ है। मतलब कोई भी फिलिंदा ब्लैंक्स आप नहीं कह सकते कि छूटा हो, मतलब फिलिंदा ब्लैंक से कहने का मतलब सॉफ्ट स्टोन यूज़ करे गए हैं। और ये देखिए, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। और ये देखिए, जो 645 एलिफेंट्स में आपको बता रहा था ना, एलिफेंट्स जो उसकी मेन पहचान, ये देखिए। और वो आप देखिए 100 फीट एंट्रेंस और 6 फीट आइडल अंदर विष्णु जी की, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु द प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया। और ये देखिए ना, इंट्रिकेट कार्विंग एट इट्स मोस्ट बेस्ट। और ये देखिए, मतलब आप सोचिए किस तरह से बनाया है। ये देखिए, ओ माय गॉड, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब मैन। जस्ट वाओ मैन, लुक एट द कार्विंग मैन। मतलब धरती छोड़े, पूरे ब्रह्मांड में आप ऐसा मंदिर नहीं दिखा सकते जो बेल्लूर के अंदर ही, चिन्नकेश्वर टेम्पल। मतलब इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई आपको पत्थर ही नज़र नहीं आ रहा मुझे तो, पूरे में कार्विंग है। और कैसे करिए, मतलब कोई नहीं बता सकता। रियली इंट्रिकेट कार्विंग, यूनिक एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर मार्वल एट मोस्ट बेस्ट। में जस्ट वाओ मैन। और ये एलिफेंट बता रहा मैं आपको, 645 एलिफेंट्स। और ये देखिए काविंग, ओ माय गॉड, दिस इज वाओ, जस्ट वाओ मैन। Look at that. Could not find the words, man. How to describe? जी हाँ, अपने जीवन काल में एक बार जरूर आइए। अमित वाइज एक्सप्लोर सब्सक्राइब कीजिए और आप ऐसी यूनिक जगह घूमिए मेरे साथ। जी हाँ, जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलने की। जी हाँ, एकमात्र धरती पे कह सकते हैं आप, ब्रह्मांड तो खैर किसी ने देखे नहीं, एकमात्र धरती पर ये मंदिर है पूरा, जिसपे पूरी कार्विंग है। आप देख सकते हैं, आप पूरी मंदिर की दीवार पर, पूरा मंदिर ही चारों ओर से ऐसी है और अंदर की कार्विंग तो बहुत ही अद्भुत है, देखने लायक। जस्ट वाओ, ये देखिए अंदर की कार्विंग, तो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ क्या अनबिलीवेबल है। ये देखिए, अंदर की कार्विंग, क्या कहने। और ये सामने 6 फीट आइडल विष्णु जी थे, वो देखिए। और ये कार भी, और
देखिए एंशिएंट शूज, जस्ट वाउ मैन।